इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की कराची से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लगभग 2000 लोग इस निंदा के संदिग्ध की हिरासत में हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने शहर के प्रेस क्लब तक पहुँचने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें प्रेस क्लब पहुँचने से रोका तो आप देखिए कैसे तहरीके तब बैक पाकिस्तान पार्टी के समर्थकों ने अधिकारियों पर पत्थर फेंके और फिर यहां पर गश्ती कार को आग लगा दी। पार्टी ने कहा कि हिंसा में उसके एक सदस्य की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कराची में हिंसा हुई है, कराची में पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत हुई है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और कराची में कोहराम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वैन में भी लोगों ने आग लगा दी है। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, ये जानकारी सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने है। सड़क पर जमकर आगजनी की गई और पुलिस यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही है, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। तो हिंसा की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची से। तो पाकिस्तान में गदर की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर आगजनी हो रही है, तब जमकर तोड़फोड़ की गई है। पीटीआई कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी देखने को मिला है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इस निंदा को लेकर के पाकिस्तान में बार बार हिंसा होती रहती है और एक बार फिर से इस निंदा को लेकर पाकिस्तान में सड़क पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ की गई है। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडल के लोग वहां पहुंच चुके हैं। इस बीच इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी प्रदर्शन कर रही है। PTI कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी यहां पर की जा रही है। सरकार ने प्रदर्शन न करने की सख्त चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही SSCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले विरोध प्रदर्शनों और हिंसा का द्वार शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी चेतावनी दी गई है। सरकार ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने SCO शिखर सम्मेलन के दौरान इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए PTI लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं SSCO शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है। इस अहम आयोजन को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रूस का 76, भारत का 4 और चीन का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर व्यापक योजना बनाई है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होटलों और अहम ठिकानों पर की गई है। साथ ही सेना, खुफिया एजेंसियों, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है।